हेलो दोस्तों, कूल डिश पे आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हाँ दोस्तों, आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो सामी का एक हैंडसेट पे। तो शायद आपने तो टाइटल पढ़ ही दिया है। तो क्या बताओ यार, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ यार, मुझको अच्छा नहीं लगता। आज एक न्यूज़ आपको बताने, मतलब अरे मन नहीं कर रहा है बताने के लिए, लेकिन फिर भी मेरा तो यही काम है आपको सब न्यूज़ सबसे पहले मेरे ही चैनल पर मिलने का। तो हाँ दोस्तों, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, मैंने पहले ही बोला। और मैंने तो एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ, इतना गंदी हरकत और ऐसा उम्मीद हम लोग नहीं कर सकते सब वो सामी वालों से। आप मी बोलो यार, एम आई बोलो यार, रेडमी बोलो या सामी बोलो यार, हम लोग तो ऐसा उम्मीद नहीं कर सकते सामी वालों से। अभी तो लग रहा है या मैंने सामी का फ़ोन लेके क्या गलत काम कर लिया या मैंने बेवकूफ़ी काम कर लिया। हाँ दोस्तों, आप रेडमी का Y2 हैंडसेट यूज़ करते हो दोस्तों, तो आपके लिए एक निश्चिंत होना बात हो गया है दोस्तों। आपको सोचने वाली एक बात पड़ गई है यार, आपको डुअल 4G वोल्टी का अपडेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और एंड्रॉयड पाई का अपडेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, वो सावमी का जो डेवलपर था, जो डेवलपर टीम था, उसने नवंबर या दिसंबर, मतलब दिसंबर वो फर्स्ट वीक पे वो कंफर्म कर दिया था, जो सावमी का जो रेडमी का चाइना पे नाम है H2, वो इंडिया का नाम है रेडमी Y2, उस पर एंड्रॉयड 9 पाई का अपडेट मिलने वाला है दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, और साथ पे डुअल 4G वोल्टी का अपडेट वो बोला था। हाँ सर, जैसे भी बोला था वो टेस्टिंग भी काम कर दिए, मतलब काम करना स्टार्ट कर दिया था डेवलपर ने वो। हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने और बहुत सारे बंदों ने, आप लोगों ने मुझको कमेंट किया अभी तक नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला है। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप चाहे तो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो एंड्रॉयड 9 का पाई का बेटा जो टेस्टिंग चल रहा था, हाँ कि नहीं। हाँ दोस्तों, वो बेटा पे टेस्टिंग चल रहा था, कुछ बग्स या कुछ प्रॉब्लम शायद आया था, इसीलिए उसने वो सामी का डेवलपर ने उसे वो ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप डाउन कर दिया दोस्तों। हाँ दोस्तों, आज का ही लेटेस्ट न्यूज़ है दोस्तों, मेरे चैनल पे फर्स्ट आता है। और जो भी मैं न्यूज़ देता हूँ दोस्तों, वो 100% प्रूफ इट होता है, 100% एंड कंफर्म होता है। तो हाँ दोस्तों, मैंने आज जब सुबह पे मुझको ये न्यूज़ आया, मैंने तो सोचा आज सुबह पे ही वीडियो बना के अपलोड कर दूं, लेकिन मुझको मैंने तो थोड़ा इंक्वायरी करना पड़ेगा वो न्यूज़ फेक है या गलत है। मैं आप लोगों को दे दूंगी, वो वायरल हो जाएगा वीडियो, वो 5,000, 10,000 या 1 मिलियन व्यूज़ आ जाएगा। फिर बाद में आप लोग बोलोगे आप फेक चैनल है यार, अनसब्सक्राइब कर दो, अनसब्सक्राइब कर दो। ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको भी पता है वो बेटा टेस्टिंग पे चल रहा था और ग्लोबल बेटा पे भी बहुत टेस्टिंग हो रहा था, लेकिन शायद कुछ बग्स या कुछ प्रॉब्लम आया, इसीलिए उसने वो ड्रॉप डाउन कर दिया दोस्तों। और आज तो एक चाइना के वेबसाइट पे वो सावमी का जो वेबसाइट है, उसने तो कंफर्म कर दिया वो सावमी का H2 मतलब Y2 पे आपको एंड्रॉयड पाई का अपडेट नहीं मिलेगा दोस्तों, कभी नहीं मिलेगा, ऐसा उसने क्लियर कर दिया। तो हाँ दोस्तों, आप नीचे पे देख सकते हो Redmi H2, मतलब Redmi मतलब रेडमी, उसका रेडमी है, और H2 मतलब Redmi Y2 जो इंडिया पे। हाँ दोस्तों, आप Redmi Y2 यूज़र हो तो उसने लिख दिया प्लान चेंजेस, मतलब प्लान उसने चेंज कर दिया। वो बेटा पे टेस्टिंग कर रहा था, चल रहा था, एंड्रॉयड पाई वो उस पर पुश कर दिया था बेटा पे, और डुअल 4G वोल्टी का भी काम स्टार्ट कर दिया था और स्टिल वर्किंग भी कर रहा था, लेकिन उसने प्लान चेंजेस कर दिया था और सस्पेंशन भी कर दिया। वो जो रॉम था, वो डेवलपर जो कर रहा था बेटा टेस्टिंग पे, वो प्लान चेंज कर दिया आज से, वो कल से ही नाइट से वो बंद कर दिया दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, उसने एक चाइना का वेबसाइट है, एक कोई फेक न्यूज़ नहीं है दोस्तों, ये 100% कन्फर्म न्यूज़ है। आज मैंने वीडियो बना लिया, मेरा वीडियो देख के यूट्यूब पे वो चालू होना स्टार्ट हो जाएगा, नो मोर अपडेट, नो मोर अपडेट। तो हाँ दोस्तों, जब मुझको ये न्यूज़ मिला, मैंने सुबह पे मुझको मिल गया था वो चाइना का वेबसाइट पे, उसका सावमी का वेबसाइट पे, मैंने जब चेक किया, फिर मैंने उसको सावमी वालों को पर्सनली इंडिया पे उसको चैट किया, वो चैट होता है वो सावमी से चैट करता था मैं। वो करने के समय मैंने उसको पूछा क्या Y2 पे एंड्रॉयड 9 और पाई का अपडेट मिलेगा, तो उसने क्लियरली बता दिया नो मोर अपडेट, एंड्रॉयड 9 पाई का अपडेट सामी ने मुझको कंफर्म कर दिया था। Redmi Y2 पे एंड्रॉयड 9 पाई का और डुअल 4G वोल्टी का अपडेट कभी नहीं मिलेगा देखने के लिए। हाँ दोस्तों, और एक बात आपको क्लियर करवा देती हूँ मैं, क्या है दोस्तों, मैंने वो देखा, वो न्यूज़ देखा, लेकिन मैंने और एक वेबसाइट पे वो आ गया था सावमी का Redmi 6, Redmi 6 एंड Redmi H2 आर नो लॉन्गर एक्सपेक्टेड टू गेट एंड्रॉयड पाई अपडेट। हाँ दोस्तों, आप पढ़ लो, मैं नहीं बताना चाहती हूँ, आप मेरे बात कान से सुनो और आप डिस्प्ले पर पढ़ लो वो। तो हाँ दोस्तों, क्या हुआ है, मैं हमको इतना मतलब गंदी सी मुझको हम लोगों से हरकत की है, क्या बताओ यार। मैं Redmi Y2 यूज़र
यूज़र हूँ और बहुत मेरे पास रेडमी सिर्फ वाई टू नहीं है, रेडमी नोट 5 है, नोट 5 प्रो है, मतलब Xiaomi के जो जितने भी हैंडसेट है मेरे पास मौजूद है दोस्तों। हाँ दोस्तों, आपको भी पता है मैं हमेशा Xiaomi के सेट ही यूज़ करती हूँ और Xiaomi के हैंडसेट अच्छा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कोई भी एंड्रॉयड अपडेट नहीं देगा, कोई लेटेस्ट जो मतलब सपोर्ट होगा जैसा डुअल 4G वोल्टी वो हम लोग से छुपाएगा और लॉक करके रख देगा, ऐसा हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते वो Xiaomi वालों से। हम पैसा देके वो हैंडसेट खरीदते हैं, जैसा रियलमी आसूस वो तो दे देता है ऐसे अच्छे खासे वो ऑफर, और जितने भी वो ब्रांड है वो तो सब दे देता है, लेकिन Xiaomi वालों ऐसा क्यों नहीं करता है मुझको पता नहीं है दोस्तों। तो मुझको बहुत बुरा लगा यार, शायद आपको भी बुरा लगा, क्योंकि मैंने आपको कन्फर्म कर दिया था यार Redmi Y2 पे आपको डुअल 4G वोल्टी और एंड्रॉइड 9 पाई का अपडेट मिलेगा, लेकिन दोस्तों मैं ही बता रही हूँ आपको और नहीं अपडेट मिलेगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये तो कन्फर्म न्यूज़ है, और भी एक डिस्प्ले पे आ गया वो भी पढ़ लो यार, एक कोई एडिटिंग नहीं है दोस्तों, ये पूरा का पूरा ओरिजिनल न्यूज़ है, ये फेक न्यूज़ नहीं है दोस्तों। तो हाँ ब्रो, क्या है, मैंने तो इतना गंदी हरकत अभी Xiaomi से उम्मीद नहीं किए थे, लेकिन वो तो बेटा पे तो रोम रिलीज़ कर दिया था, तो जितने भी बग्स था थोड़ा वो एक्सपेक्ट करके थोड़ा सा बग्स फिक्स करके वो स्टेबल पे अपडेट दे देता तो कुछ Xiaomi का Y2 यूज़र वो खुश हो जाता यार। हाँ दोस्तों, उसको भी अच्छा लगता यार, कुछ तो नहीं मिला या नहीं मिला, बैटरी तो ऐसे ही कम देता है, 3000 mAh के बैटरी दे देता है, बैटरी तो लॉन्ग टाइम नहीं चलता है यार, वो तो आपको भी पता है और मुझको भी पता है, क्योंकि मैं भी Y2 हैंडसेट यूज़ कर चुका हूँ, तो आप भी तो Y2 यूज़ करते हो तो आपको भी पता है बैटरी तो बहुत गंदी सी है, वो 3000 mAh का बैटरी दिया है, वो गंदा बैटरी है यार, वो लॉन्ग टाइम नहीं चलता है, वो आपको भी पता है। तो हाँ दोस्तों, मुझको पता है सर, आप तो बोलते हो सर आप क्या करो यार, कब मिलेगा, लेकिन हाँ दोस्तों, ये तो कन्फर्म न्यूज़ आ गया। तो Xiaomi वालों ने जो ऐसा हरकत किया है दोस्तों, मुझको बहुत गंदी लगी और मुझको अच्छा नहीं लगा दोस्तों, शायद आपको भी नहीं अच्छा लगा। तो हाँ दोस्तों, मेरे पास जो भी न्यूज़ आता है मैं दे देती हूँ आपको। तो हाँ दोस्तों, रियली वो बेटा पे आया था, आप चाहे तो चेक कर सकते हो MIUI कम्युनिटी हॉल पे, तो कम्युनिटी पेज पे जाके आप चेक कर सकते हो, वो बेटा पे वो रिलीज़ किया था, लेकिन वो एक्सटेंड नहीं करेगा, वो उस पर वो डिलीट कर दिया है, प्लान चेंज कर दिया है दोस्तों। तो मुझको इतना बुरा लगा, जो भी था वो दे दो यार, स्टेबल पे तो दे दो, 400 या 500 MB का वो रैम अपडेट होता तो वो डुअल 4G वोल्टी तो कम से कम ऑन कर दो, लेकिन उसने तो मैंने उसको जब ये बात बोला उसको, तो वो मुझको रिप्लाई दिया, Xiaomi वालों ने मुझको रिप्लाई दिया, नहीं सर वो एंड्रॉइड पाई बेस होता है, डुअल 4G वोल्टी सपोर्ट विथ स्नैपड्रैगन 625 प्रोसेसर। हाँ दोस्तों, उसने कंफर्म कर दिया था, तो मैंने बोला कब तो लंच होगा, कभी आज नहीं होगा तो फिर 6 मंथ लेटर, उसने बोला नो मोर प्लान, अभी तक तो उसने क्लियर कर दिया, अभी तक वो रेडमी Y2 के लिए एंड्रॉइड 9 पाई और डुअल 4G वोल्टी का अपडेट नहीं मिलेगा, वो क्लियरली कन्फर्म कर दिया है। लेकिन एक तो सोल्यूशन ज़रूर होगा दोस्तों, हाँ दोस्तों ज़रूर होगा, कुछ ऐसा वो पृथ्वी में मतलब अर्थ पे ऐसा भी कुछ प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्तों, हर प्रॉब्लम का हर एक न एक सोल्यूशन होता है दोस्तों। वो क्या है सोल्यूशन, आप सुन लीजिए दोस्तों, जो आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो दोस्तों, इतना शेयर करो यार, वो फेसबुक पेज पे जो मनु जैन का जो इंडिया का हेड है, Xiaomi का जो इंडिया का हेड है मनु जैन, उसका फेसबुक पेज पे डाल दो यार, ट्विटर यूज करते हो तो ट्विटर पे डाल दो यार वीडियो, और यार एक काम करो, इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर मेल जितने भी है मनु जैन को, जितने भी है Xiaomi वालों को, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो यार, उससे यही बात पहुंचा दो यार, हम लोग भी Redmi Y2 यूज़र है, हम ज़्यादातर Redmi Y यूज़र है, हम कम नहीं है, हमको भी चाहिए ये ऑफ़र। आप तो टाइप करके बताओगे तो वो कंटिन्यू नहीं रखेगा, लेकिन एक वीडियो आप ज़्यादा लोग वो उसको सेंड करेगा तो वो स्टिल वर्किंग, वो काम करना स्टार्ट कर देगा दोस्तों 100%। ऐसे भी हुआ था Mi Max 2 पे, ऐसे भी एक अपडेट था, वो पुश नहीं किया था, लेकिन मैंने एक वीडियो बनाया था, इतना शेयर आया और उसने क्लियरली बता दिया, जो कूल ट्रिक्स चैनल में जो इतने सारे वीडियोस आता है और MIUI का अपडेट आता है, मुझको भी कांग्रेस बोला है और Xiaomi वालों को वो अच्छा लगा, और क्या है दोस्तों, उसको भी अपडेट मिल गया था। तो इसी भी वो ही पॉइंट नोट करके यार चलो आगे बढ़ जाओ, और इतना शेयर करो दोस्तों वीडियो, जो Xiaomi वालों को हर तरह, जितने भी कम्युनिटी हॉल है, जितने भी पेज है, जितने भी मैसेंजर है, सबको शेयर कर दो यार, सबको बोलो यार Redmi Y2 को हम भी हकदार है, वो हमको भी मिलना चाहिए डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट एंड एंड्रॉइड पाई का अपडेट। हाँ दोस्तों, मुझको बुरा लग रहा है, शायद आपको भी बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करो यार, ऐसा ही होता है कभी कभी हैंडसेट पे।
आपको आप वीडियो वो शेयर कर दो यार, बस उसको पहुंचा दो, फिर मैं देख लेती हूँ। मैं भी तो उसको, मैंने एक मेल कर दिया है स्वामी वालों को, अब मनु जैन को भी पर्सनली मेल कर दिया है। क्या यार वाई टू को दो, दे दो यार, वाई टू बहुत सारे हैंडसेट सेल हुआ है और बहुत सारे यूज़र थे वाई टू यूज़ करता है दोस्तों। तो शायद मुझको लग रहा है वाई थ्री आने वाला है, इसीलिए वो प्लान चेंज कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए था स्वामी वालों को, वो अपडेट देना चाहिए था दोस्तों। तो माफ़ी चाहती हूँ दोस्तों, मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ दोस्तों, क्योंकि क्या यार मैं क्या करूँ यार, वो तो आप भी सोच सकते हो यार, वो उसने बेटा लॉन्च कर दिया था बेटा रॉम, तो मैंने भी चेक किया बेटा रॉम पे, वो वाई टू पे आ गया था डुअल 4G वोल्टी का अपडेट और एंड्रॉयड पाई का अपडेट, लेकिन अभी वो नहीं दे रहा है। तो कुछ भी उसका तो कुछ डिसअपॉइंटेड है या कुछ भी बग्स है वो जो फिक्स नहीं कर पा रही है वो डेवलपर ने, शायद वही उसका कमजोर हो, तो वो अब शायद वो फिक्स नहीं कर पा रही है, इसीलिए वो अपडेट नहीं करना चाहती है, क्योंकि उसका हिम्मत ही नहीं है दोस्तों। वो स्वामी डेवलपर का अभी तक हिम्मत नहीं है वो एंड्रॉयड पाई का और डुअल 4G वोल्टी का ऑप्शन ऑन करने के लिए, जो रेडमी वाई टू हैंडसेट के लिए। तो ये वीडियो वो स्वामी का वो सब लोग देखेगा, तब वो सोचेगा हमें, हमारा भी जो डिमांड है, हमारा भी डेवलपर है और हम लोग कर सकते हैं, तो वो शायद कर देगा, जैसा MI मिक्स 2 पे का किया था। तो हाँ दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों प्लीज़, मैं एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं तो वीडियो पर्सनली उसको सेंड करूँगी, लेकिन प्लीज़ दोस्तों आप लोग सेंड करोगे तो वो ज़्यादा काम करेगा, वो ज़्यादा टीम ने वर्किंग करेगा क्विकली और आपको क्विक रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो जैसे भी कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम पहुँचा देंगे। ऐसा भी होता है दोस्तों, कभी Xiaomi ने बोलता है हम रेडमी वाई टू पे हम डुअल 4G वोल्टी और एंड्रॉयड पाई अपडेट ले आएंगे, लेकिन क्या होता है वो बाद में बोलता है नहीं आएंगे, फिर हर सब कस्टमर ने जो रेडमी वाई टू यूज़र खरीदा है उसको बुरा लगता है, वो मन दुख ही हो जाता है, फिर क्या करता है नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा मुझको नहीं मिलेगा, फिर भी एक सरप्राइज करके वो लॉन्च कर देता है और अचानक एक स्टेबल अपडेट आ जाता है या बीटा अपडेट आ जाता है, तब कस्टमर अचानक शॉक हो जाता है, यार मुझको मिल गया ये, पहले तो बोला था नहीं मिला है, और अब आप भी मुझको मेरे चैनल पर आके गालियाँ देते हो, अब फेक हो यार, आपने बताया था नहीं मिलेगा लेकिन मिल गया है, ऐसा कभी कभी करता है, लेकिन जो भी करता है वो गंदी हरकत है, क्लियरली बताना है कस्टमरों को, सब कुछ क्लियर कर देना है दोस्तों। तो मेरा इसी वीडियो पे इतना तक ही है, तो हाँ दोस्तों प्लीज़ शेयर कर दो यार, कर दो, शायद आपको मिल ही जाएगा, और मैं तो शेयर करने ही वाला हूँ दोस्तों, मैंने पहले भी बोला। तो हाँ दोस्तों, सीरियली ये न्यूज़ बताते हुए मुझको अच्छा नहीं लग रहा है, आप शायद समझ सकते हो, मेरा एनर्जी भी नहीं है वो वीडियो बनाने का, लेकिन क्या करूँ यार, बताना है आपको और न्यूज़ पहुंचाना है, यही मेरा काम है दोस्तों। तो मैंने आप लोगों को डिस्प्ले पे पूरा का पूरा प्रूफ दिखा दिया दोस्तों, और एक बात दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, बुरा लगे तो डिसलाइक कर देना यार, लेकिन क्या करो यार, वीडियो तो अच्छा ही है तो प्लीज़ लाइक कर देना यार, और अब नए बंदे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो मैंने पहले बोला वो वीडियो को शेयर कर दो यार, वो स्वामी वालों को हर 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 जगहों में पहुंचा दो, और जितने भी रेडमी वाई टू यूज़र है उसको भी सेंड कर दो वीडियो, क्योंकि वो भी सबको शेयर करे, तो शेयर चलते रहो, और आपको वाई टू के एंड्रॉयड 9 का पाई और डुअल 4G वोल्टी का अपडेट का मिलना कोशिश करो यार, नहीं खुद तो ट्राई कर लो, हम लोग तो ट्राई करते हैं, हम लोग तो फिर भी आप लोग भी कस्टमर हो, आप भी तो पूछ सकते हो क्यों नहीं मिलेगा मुझको। तो हाँ दोस्तों, इसी बात पे एक लाइक कर दो यार, और फटाफट आप शेयर करना स्टार्ट कर दो। तो इसी वीडियो पे इतना ही तक, मुझको अच्छा नहीं लगा आज वीडियो बनाने के लिए, मन भी नहीं था, लेकिन क्या करूँ यार, मेरा काम ही ऐसा है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, क्या यार आज बोलने का कोई मन नहीं है, जय हिंद भारत माता की जय, खुश रहो यार।